हम तो सोच ही सकते थे कि शोएब अख्तर से कभी हाथ भी मिलाएंगे। आज शोएब अख्तर हमारे इंट्रो दे रहे हैं। वसीम भाई और वकार भाई वो आए लंच पे एंड ही गोज इन द मिडल। पापा कौन है ये लोग? बाद मुस्तफा बता रहे हैं कि झगड़ा हो चुका है शाहिनशाह और बाबर का। मीडिया को सिर्फ खबरें चाहिए होती हैं। ना फवाद सोच रहा होगा ना मैं सोच रहा हूँ। मैंने इस्लामाबाद में शोएब अख्तर को छक्का मारा और उसके बाद में हट गया था। मैं डिक्टेट नहीं हो सकता हूँ कि मुझे लोग बताएं कि हमें ये अच्छा लगता है तो आप ये कर लें। अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब अख्तर और मैं आपके लिए एक बड़ा एक्साइटिंग एपिसोड। इसमें मैं आपको जिससे मिलाने जा रहा हूं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, पाकिस्तान टीवी का बेस्ट होस्ट, बिगेस्ट मूवी स्टार, बिगेस्ट होस्ट इन द पाकिस्तान, मोस्ट गुड लुकिंग गाय। फिल्में प्रोड्यूस वो करते हैं, एड वो करते हैं, शादी वो करते हैं, फादर वो हैं, हस्बैंड वो हैं, 101,000 काम करते हैं और इतना अच्छा करते हैं कि ही बिकेम अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज अ फ्रेंड एंड इज अ ग्रेट फादर, इज अ ग्रेट 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 होस्ट एट द सेम टाइम। लेट अस वेलकम फहद मुस्तफा। यस ब्रदर, आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठिए प्लीज, आप बैठिए पहले। वेलकम टू लाइफ वर्ल्ड प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो 2.0 पावर्ड बाय हेमानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और दूसरा सीजन हम आप तक पहुंचने में कामयाब। पैसे ना होते कुछ भी ना होता। फादी यार, टिपिकल इंटरव्यू, बड़े हो गए यार। आप कैसे हैं? आपकी स्ट्रगल कैसी थी? कहां से स्टार्ट किया? ओह शट इट यार, है ना। फादी एज ए क्रिकेटर बताओ, फादी एज ए क्रिकेटर कैसा था? भले ये बताओ, छोड़ो बाकी बात। Fadi as a cricketer was a loser because no, I've seen you batting. No, you have, but initial times pe to wo hota hai na ki har bachcha in Pakistan wants to be a cricketer. Right. Aur I'm the lucky one probably jinko baad mein apne sare stars ke sath baithne ka mauka mila. So okay. I think I'm really honored ki aapke samne baithe. Hum to soch hi sakte the ki Shoaib Akhtar se kabhi haath bhi milayenge. Aaj Shoaib Akhtar hamare intro de rahe hain to mujhe iski badi khushi hai. और आपसे, वसीम भाई से, सारे क्रिकेटर्स से दोस्ती है। लेकिन द फनीएस्ट इंसिडेंट आई एम गोना टेल यू इज, मेरे घर पे वसीम भाई और वकार भाई और मिसबा वो आए लंच पे और माय सन इज अ बाबर फैन नाउ, बाबर एंड शाहीन फैन, ही इज 7 नाउ, रीसेंट। अच्छा, तो वो अब मैं एक्साइटमेंट का लेवल, मेरा एक वसीम अकरम इज यू नो इन माय हाउस एंड वी आर हैविंग लंच टुगेदर एंड वकार यूनिस इज देयर ऑफ कोर्स एंड ही गोज इन द मिडल। पापा कौन है ये लोग? ओए, मैंने कहा ये नहीं करना, बट देन आई रियलाइज यू नो के उनके लिए तो अब लाइक व्हेनेवर बाबर इज इन द हाउस तो वो हिज एक्साइटमेंट लेवल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट और उसको समझ नहीं आ रही होती और वो शर्मा भी रहा होता है। अच्छा। वसीम और वकार में उसको वो हम बच्चे बने हुए थे। सो आई थिंक बड़ी खुशी की बात है कि इन सबसे इतनी है और अब खेलने का भी मौका मिलता है सबके साथ। आई हैव प्लेड विद अजहर, शोएब और इसके अलावा सैफी के साथ भी खेली है क्रिकेट। साहिम अयूब का स्टार्टिंग हमारे साथ, मैंने उसको अपने सामने देखा हुआ खेला। सो आई थिंक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम है मेरी जिंदगी का। लेकिन एक चीज कमी रह गई है ना यार। क्या? मुझे कभी फेस नहीं किया ना। अब मैं, आप भूल गए, देखे आप भूल गए। मैंने इस्लामाबाद में शोएब अख्तर को छक्का मारा और उसके बाद में हट गया था क्योंकि ये एक, जी बिल्कुल, ये कैनेडियन एम्बेसी का एक मैच हम खेल रहे थे और शोएब भाई आए और शोएब भाई ने ऐसे ही आके ना, जिससे नहीं होता, एक ऐसी बॉल, ऑफकोर्स वो उस हिसाब से तो नहीं फेंका, मुझसे तुक्के में लग गया छक्का, उसके बाद मैं चला गया। मैंने कहा अब नहीं खेलना है। और फादी
मुझे ये बताओ यार कि आपने एशिया कप देखा जी, यू आर अ ह्यूज क्रिकेट फैन एब्सोल्युटली, और बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हो यार, व्हाट वेंट रॉन्ग? नाउ हम अभी वर्ल्ड कप में दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी हुई है, आप वर्ल्ड एशिया कप में जो हमने किया है यार, क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई है? आप क्या सोचते हैं यार, व्हाट फादी थिंक्स? मैं ये नहीं चाहता यार, फादी को तो सारे जानते हैं ना जी, होस्ट फिल्म स्टार सारा कुछ, जी जी जी, फादी के एनालिसिस सुनना चाहते हैं यार क्रिकेट के, छोड़ो बाकी बात। एक तो मुझे लगता है ये अच्छा है, ये सेटबैक होना चाहिए था अच्छा बिफोर वर्ल्ड कप, बिकॉज देखें इट्स नॉट अबाउट आवर टीम। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आजकल सिंस इट्स अ सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, 10 को 100 बताना जो है ना वो हमारी एक आदत भी बन गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत जल्दी हम सबको झाड़ पे भी पहुंचा देते हैं, तो थोड़ा सा जरा ना ऐसे इट्स गुड टू लूसन अप अ लिटिल, और आपको ये झटका जब मिलता है तो थोड़ा सा आपको फिर रियलिटी हिट भी करती है। आप चाहते हो कि कैप्टनसी अग्रेसिव हो थोड़ा हमारे लड़के? ऑफ कोर्स हो, मुझे ऐसा लगता है कि होनी भी चाहिए, और कहीं कहीं जो क्रिटिसाइज है कर रहे सारे बाबर के ऊपर, आई थिंक ये एक लर्निंग प्रोसेस होगा। आई थिंक वर्ल्ड कप में वो जाएगा तो ये झटका उसको भी लगेगा ना, तो थोड़ा सा जरा जो हम बातें भी सुन रहे हैं, झगड़े हो गए, ये हो गए, आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट यू नो एक दूसरे को कुछ जो सुन रहे हैं हम भी क्या कोई शाइन का और तो आपस में जो इनके हुए हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जैसे हम सारे पढ़ खबर चाह रहे हैं ना, नहीं आप जानना चाहती है फहद मुस्तफा से, फहद मुस्तफा के पास इंटेल है क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी टीम को ये जानते हैं। फहद मुस्तफा बता रहे हैं कि झगड़ा हो चुका है शाहीन शाह और बाबर का बात, थैंक यू वेरी मच, आगे बताएं तफसीलात क्या है। ये जब चलेगा तो ये बहुत पुरानी बात हो चुकी होगी, बट खैर कहने का मकसद ये है कि आई थिंक ये एक अच्छी बात है, दे जस्ट नीड द कॉम्बिनेशन राइट, आई थिंक अ लिटिल कॉम्बिनेशन इज थोड़ा सा। चलो हम क्रिकेटिंग टर्म्स पे बात कर लेते हैं यार, टेक्निकल बात करते हैं। हाँ जी, आप भी क्रिकेट खेलते हो, आप जानते भी यार हमारे बॉलर जो हैं वो 10 ओवर के बॉलर हैं कि नहीं, बिकॉज उनके डिफेंस में मैं ये बात करता हूँ शाहीन की, नसीम की, यार वो जिस एरा में पैदा हुआ ना आंख खोली 4 ओवर कर रहे हैं ऐसे ही है। अब उन्होंने 50वीं क्रिकेट पता है पिछले साल पता कितने खेली है, 13-14 वनडे। एब्सोल्युटली। अब उनसे कहते हैं एशिया कप में वो करेंगे तकरीबन 70 ओवर, अब वो 70 ओवर की बॉडी है ही नहीं पाते, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो 10 ओवर नहीं कर पाते, जो ही करते हैं ठक करके एक इधर से गया एक इधर से गया, तो डू यू बिलीव के इनका कसूर नहीं है, और या डू यू बिलीव कि पाकिस्तान को इनको रेडी करना चाहिए था ताकि वर्ल्ड कप में आप कम से कम तो आपको 90 ओवर करने पड़े, 9 मैचेस हैं, 90 ओवर करने पड़ेंगे, चलो 9 बॉलें चलो डाल के 100 ओवर आपको कम से कम करने पड़ेंगे। मुझे सिर्फ एक चीज से होती है प्रॉब्लम, जैसे आईपीएल इंडियन जो है ना वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, वो कोई और लीग नहीं खेलते, हमारे पास अब पीएसएल अच्छी खासी तगड़ी एक लीग है, वैलिड पॉइंट है। सो आई डोंट नो कि आप इतनी क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा जरा एक होता है, मैंने देखा है उसको, अपना एंडरसन को मैंने देखा है, हमने उसको ब्रॉड को देखा है, प्रायोरिटी सेट की हुई है अपनी, हमारी प्रायोरिटी कहाँ है ये मुझे समझ नहीं आती। अब मैं सिर्फ बाबर को ये क्रेडिट देता हूँ कि एटलीस्ट वो आपको हर लीग्स में नज़र नहीं आता, बहुत कम नज़र आता है उसका फोकस जो एटलीस्ट अपनी टीम पर, बाकी तो वहां कोई इंजर्ड नहीं होता, जैसे ही सीरीज शुरू होती है हमारी तो फिर इंजरीज भी शुरू हो जाती है। मेरी जान उनके फाइनेंस सिक्योर है ना, किसके आपके थे के? आप लोगों के भी तो नहीं थे, आप लोग क्यों खेलते थे? हम बीमार थे, इंजेक्शन, अभी मुझे एक मैंने सुना था एक प्लेयर को बुखार हो गया, भाई मैं तो शोएब अख्तर को जानता हूँ, शोएब अख्तर तो इंजेक्शन लगा के भी खेलते थे, और इंजमामुल हक की इनिंग्स सबको याद है, रोजों में भी खेले हैं प्लेयर्स, बुखार ये बुखार तो मतलब एटलीस्ट यू नो थोड़े तगड़े नहीं आज के, मैं वही कह रहा हूँ ना कि टू मच थिंकिंग इज हैपनिंग, टू मच खौफ इज गोइंग ऑन, प्रॉब्ली डरे हुए बहुत ज्यादा है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स में नहीं है, ये एक्टर्स में भी बहुत ज्यादा है, दिस देयर इज अ थिंग कॉल्ड इमेज नाउ, जिस पे जो है भी नहीं बट उसका एक जो है ना वो एक हवा इतना बड़ा है कि आप इस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डजंट मैटर यार, मतलब क्या हो गया आपको, थोड़ा सा जरा जिस काम के लिए पैदा हुए वो तो करें आप। हाँ ये बात ठीक है आपकी, आप क्रिकेटर, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्रिकेटर हैं, पूरे मैच खेलते हैं, हर वीकेंड में मैच खेलते हैं, और उनको बहुत शौक है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करते हैं, बेटे को भी लगाया हुआ, खुद भी लगे हुए हैं क्रिकेट खेलते हैं, बट नाउ कमिंग बैक टू योर करियर जी, now this year you're up against as a best actor against Fawad Khan. How do you see that? Your movie अच्छा is up against Maulana Jatt. अच्छा आप
قائد اعظم آپ نے کی نامعلوم افراد کی ایکٹر لا کی آپ یو آر گائز یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب جی جی سو ناؤ آپ ایک دم ہوا بن رہا ہے جی کہ فاطمہ سوا دا لیڈنگ رول ایکٹر کیا یہ ایک میڈیا میں چل جاتی چیزیں آئی تھنک میڈیا کو صرف خبریں چاہیے ہوتی ہیں نہ فواد سوچ رہا ہوگا نہ میں سوچ رہا ہوں بیکاز اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے کہ ایوارڈس کی نہ وہ کریڈیبلٹی رہی ہے ایسے جتنی زیادہ تو اب آپ اس بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں خوشی تب ہوتی ہے جب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں فلموں کو اس کی فلموں کو بھی کرتے ہیں ہماری فلموں کو بھی کرتے ہیں فلمیں بنتی کتنی ہیں اس ملک میں ہاں مطلب ایوارڈس کا مجھے ایسا لگتا ہے مے بی میں اب اس عمر سے نکل گیا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ایوارڈس والی اچھا لگتا تھا ایک پوائنٹ پہ بہت ملے بھی بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی تھی بٹ ہاں مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب جو ہمارے بعد والے ایکٹرز ہیں نا ان کو کوئی ایوارڈ کا نا وہ چکر نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لاؤنج ہے لاؤنج کا فرنیچر شوڈ بی پوائنٹڈ ٹورڈز سم تھنگ ویدر اٹس ٹی وی اور یو نو کوئی تو ایک ہوتا نا یو لک فارورڈ ٹو سم تھنگ یو لک اپ ٹو سم تھنگ آئی تھنک اٹس اے لاسٹ کاز ناؤ سو آئی ہیو ہیڈ اے ویری فیئر شیئر آف مائی ایوارڈ سیریمنیز آلسو دا ایکسائٹمنٹ ٹورڈز دیم ووٹنگز اینڈ آل دیٹ یو نو بن دیئر جیتے ہارے سب ہوا اب یہ جیت ہار کا کوئی چکر نہیں ہے why do you give me a feel that you've been there done that now you're over and above now no it's not that I just don't want to be a part of any race anymore so I want to work I want to enjoy my work myself and right. I've always done that I've always picked stuff that I liked I was never worried about ke log kya sochenge ya aap kya sochoge so they were my choices in the first place some were right some were wrong میں ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا ہوں کہ مجھے لوگ بتائیں کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے تو آپ یہ کر لیں یا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو بیکاز ان دی اینڈ یو سی جب تک آپ خود سیٹسفائی نہیں ہوں گے آپ کو خود مزہ نہیں آ رہا ہوگا دوسرے کے لیے آپ کبھی انجوائے نہیں کر سکتے جو میں دیکھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا لیک کرتی ہے وہ کنٹینٹ نہیں ہے لوگ بہت زیادہ وچ از ویری امپورٹنٹ یو نو پیسہ ویسا تو آتا جاتا رہتا ہے اس کا تو کوئی ایسے جتنا مسئلہ نہیں اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا سے بہت سارے ٹک ٹاکرز بہت سارے لڑکیاں لڑکے فالوئنگ ان کی زیادہ ہے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ایک دم ڈرامے میں فاد مصطفیٰ کے اپوزٹ آ جائیں وڈ یو ایکسیپٹ دم ایز این ایکٹر اس از نو پرابلم رائٹ میں کون سی کوئی میراث ہے میری کہ یہ تو مدعا نہیں ہے مسئلہ میرا ہے ہی نہیں مسئلہ ان کا اپنا ہے اچھا بیکاز آئی ایم اے پروڈیوسر آلسو آئی ہیو میٹ لاٹ آف دیز پیپل ہو میک Content is the most overrated word in this country and مجھے تو ایسا ہر کسی کو content, 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 there is no such content. Everybody is selling their families. ٹوٹل پوری دنیا میں نہیں نہیں میں ویسے ان کی بات کر رہا ہوں دیکھیں باقی تو کہانیاں چلیں سیم ہی ہیں کانٹینٹ کیا ہے گھر فیملی بیچ رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے مطلب کیا ہے صبح دوپہر شام آج کچن میں پھیرنی بنا لی آج امی کے پاؤں پڑ گئے ہیں آج قبرستان تک کو نہیں چھوڑتے لوگ میں تو یہ دیکھتا ہوں آج اللہ جنت نصیب کرے سب کی جن کی مائیں نہیں ہیں یہاں پہ آپ گئے ہیں قبر پہ قبر دی آج ماں کی بڑی یاد آئی آپ بھی دعا کر دی مطلب یہ کیا ہے یہ کون سا کانٹینٹ ہے سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون فار دیٹ ایٹ لیسٹ یو نو مجھے بالکل ایسا ہو رہا ہے اچھی کہانی سنا سکتا ہوں بری کہانی سنا سکتا ہوں اپنے گھر کو نہیں بیچ سکتا اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا اینڈ آئی ہیو میٹ لاٹ آف پیپل جن کے بہت ساری فالوئنگ ہوتی ہے ان کو یہ میتھس ہی نہیں سمجھ آتا کہ اگر آپ فلم کی شوٹ پہ بھی جاتے ہیں آپ ڈرامے کی شوٹ پہ بھی جاتے ہیں ابھی آپ ایک شو کرنے بیٹھے اٹ ٹیکس ٹائم دیر از اے پروسیس یس ان کو یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ کیسے سمجھ آئے گا فون اٹھایا بنا آپ تو 10 سیکنڈ کا ماحول ہے نا آپ کا سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ اور ہمارے لیے وہ پروسیس ہمارے لیے شاید آسان ہو جائے گا وہ کیونکہ ہم نے تو یہ والا تو بہت کیا ہوا نا ہم نے تو یہ 2020 ہو گیا ہمارے لیے From test to 2020. From 2020 to test is very difficult. مجھے ایسا بٹ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلیم ٹو سکسیس مطلب آپ کو لوگ بہت سارے اپروچ کرتے ہیں سر مجھے لے لیں آپ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا واٹ از یور پروسیس مائی پروسیس دیکھیں جس کو ایکٹنگ کا شوق ہے جس کو نیریٹو کا کہانی سنانے کا شوق جس کو اپنا آپ پلے کرنے کا شوق نہیں We became actors in the first place. Why? Because we wanted to be someone else and not ourselves. Uske liye hosting is fine. You're being Shoaib Akhtar right now. That's okay. But when you're acting, when you're doing a serial or a film,
यू वोंट बी प्लेइंग शोएब अख्तर. नो. तो वो जो लाइन है ना वो किसी को समझ ही नहीं आ रही है. आई हैव सीन एक्टर्स सेइंग ऑन सेट्स के ये तो मैं नहीं बोल सकता. भाई इट्स नॉट यू, इसीलिए तो नहीं बोल सकता. अगर तुम होते तो एक अलग बात थी, बट इट्स समबडी एल्स. तो अगर आपको वो बात समझ ही नहीं आ रही है तो वो खैर दुनिया तो मर्द औरत के उसमें फंस गई है. ठीक है 100%. ये जो प्रोसेस है ना वो सारा बाईपास करके 10 सेकंड के बाद आप एक्टर नहीं बन सकते. नहीं बन सकते क्योंकि आपका एक छोटा सा वीडियो वायरल हो गया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाद मुस्तफा के साथ खड़े हो. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कहीं जा सकें, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. सी यू बैक इन अ बिट. Welcome back. The Life Boy presents the Shoaib Akhtar Show 2.0 powered by Hemani. Abhi hum thoda sa serious talk bahut hogi. Fadi bahut depth wala aadmi hai aur gujji bhi baatein karta hai aur itni zindagi guzar li hai media mein 20-25 saal ho gaye Fadi ko. Lekin Fadi ki hum akal ka bhi thoda test lenge kyunki थोड़ा सा हम प्रोग्राम को चाहते हैं थोड़ा लाइटर मूड में कर लिया जाए. आपके लिए नकल में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. अकल यूज करते हुए हमें ये बताइए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विनर कौन था? ऑप्शन अर्जेंटीना, इटली या फ्रांस. पादी फुटबॉल भी खेलता है. मुझे फुटबॉल का बिल्कुल फुटबॉल का समझ नहीं आता. 99 के चार सेमीफाइनलिस्ट के नाम बताइए जो 99 के सेमीफाइनल में खेले थे. सेमीफाइनल में जी सर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तो थे ही थे डेफिनेटली. वो तो फाइनल हो गया. सेमीफाइनल में भी तो होंगे ना. सेमीफाइनल किसके साथ था मैं आपसे ये पूछ रहा हूं. सेमीफाइनल में वो चार टीमें कौन सी थी 99 के वर्ल्ड कप में? देखिए एक तो साउथ अफ्रीका थी. यस, क्योंकि द फेमस मैच वो क्लूजनर वाला जो मैच था वो किसके साथ था? वो था ऑस्ट्रेलिया के साथ. ऑस्ट्रेलिया के साथ. दो और टीमें बता दें. ऑस्ट्रेलिया के साथ था. इसके अलावा एक होगा पाकिस्तान होगा. एक था पाकिस्तान और चौथे फंस गए फाद मुस्तफा. पाकिस्तान किसके साथ खेला था ये मुझे याद नहीं. मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. ये टीम हमेशा हमसे पकड़ी जाती है. पकड़ी जाती है. हाँ, हम जब भी जाते इंग्लैंड होगी. नहीं 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 नहीं. हाँ, ये थोड़ा बहुत दूर आयरलैंड में. रियली? हाँ, इनको हम जब दिल कर पकड़ लेते हैं. न्यूजीलैंड होगी. न्यूजीलैंड. यस 100%. पीरे कामल नॉवल की राइटर कौन? उमेरा अहमद. उमेरा अहमद. क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ जी. सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी में कौन सा है? पित्ता, जिगर या फेफड़ा? क्रिकेट खेलते हैं और किधर चले गए? उसमें फेफड़ा चाहिए होता है. पित्ता, जिगर या फेफड़ा? देखिए क्रिकेटर को तो जिगर ही चाहिए होता है बेसिकली. ये बहुत तेज है भाई जवाब. बिल्कुल ठीक है. इनको जिगर इसलिए दिखाना पड़ता है कि फास्ट बॉलर जब आ रहा था ठा करके शोएब तो छक्का मार के पार अभी तक ध्यान में रखा हुआ है भाईजान. इसमें से क्या चीजें पाकिस्तान में नहीं है? कोल्ड डेजर्ट जी, सॉल्ट माइन या एक्टिव वोल्केनो? आई थिंक ये तीनों चीजें हैं पाकिस्तान में. एक्टिव लाव वोल्केनो है हमारे पास. आई थिंक है मड वोल्केनो है लेकिन हाँ नहीं है. कोई बात नहीं, कहीं होगा, हमने ढूंढा नहीं होगा. कोई है, हमने ढूंढा नहीं होगा. मुझे ये बताइए कि 2011 का सेमीफाइनल किस जगह हुआ था? सेमीफाइनल एज इन वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल इंडिया में किस जगह हुआ था? मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं याद. हम उस टाइम पे बहुत काम कर रहे थे, जिंदगी में कुछ बनने की ख्वाहिश थी. आफरीदी कप्तान था. हाँ, ये वाला एरा मैंने बहुत कम मिस कर दिया. 99 के बाद मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप वगैरह जो मैंने देखना शुरू किया. यूनिस खान कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? 2009 वो देखा था मैंने. T20 वर्ल्ड कप. हाँ, T20 वर्ल्ड कप. उसके बाद फिर हम बहुत काम कर रहे थे. क्यों? आप काम में बिजी हो गए थे, इंटरेस्ट कम हो गया था क्रिकेट? मुझे लगता है इंटरेस्ट कम हो गया था वो टाइम. पता नहीं यार, आप लोगों का टाइम था उस वक्त टीम छोड़ने का, तो वो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा, जैसे सईद अनवर गए थे ना जब टीम से, तो मेरा बैट्समैन देखने का दिल खत्म हो गया था कुछ अरसे के लिए. फिर वसीम भाई चले गए, तो आपको एक होता है ना, आप लोग जुड़े होते हैं उन चीजों से. तो फिर आप और ये आप लोगों का टाइम था मेरे ख्याल से उस टाइम पे आप लोग बस. हाँ, वही वाला. तो इतना कोई इंटरेस्ट ये आसिफ वासिफ वाला टाइम मैंने बहुत कम देखा. मैं सुनता हूँ आसिफ बहुत बड़ा बॉलर था. Yes. मैंने इतना नहीं उसको फॉलो किया. बहुत बात की बात है. आसिफ बहुत बड़ा बॉलर था. मोहम्मद शमी बहुत बड़ा बॉलर. मोहम्मद शमी बहुत बड़ा बॉलर. सुन, ये सुने हमने. हमारे लिए आखिरी बड़े बॉलर आप थे.
उसके बाद फिर जो है यही लॉट जो पीएसएल में हमने देखी है उसके बाद फिर देखी। आप देखते हैं करंट क्रिकेटर्स में कैरेक्टर मिसिंग है, ये इतने वो जिस तरह होता है ना वो बदमाश टाइप होते हैं, आए बैठे के हाल है चोई साहब। बस आप लोगों के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो आप लोग डरते नहीं थे, अब बेचारे उनको भी बहुत सोच समझ के चलना। सोशल मीडिया तो आज भी है, नाम तो आज भी है, बट नहीं वो इतना वो नहीं होता ना। जैसे आप लोग बाहर बहुत घूमते फिरते थे, अब कोई कौन घूम सकता है, कोई घूम ही नहीं सकता ना। हाँ तो वो आजादी नहीं है, हम नहीं घूम सकते तो मतलब आप लोगों का लॉट वो। हाँ ये बात सही है फादी की। वैसे अगर सोशल मीडिया आज के टाइम पे होता तो 3 लड़कों को 23 साल की जेल हो चुकी होती, बस वही वाली उस टाइम के हिसाब से ऐसे ही। लेकिन बाद में मुझे ये बताइए कि नाउ Your father, your husband. अब me time कौन सा है? फिल्में आप बना रहे हो, प्रोड्यूस आप कर रहे हो, dramas आप बना रहे हो, host आप कर रहे हो, तो me time भी है को अपना ही या? यार me time whenever I'm acting is that's my me time because अच्छा? that's something that I love. Enjoy the most. I love and I enjoy it the most. कम करता हूँ मैं, लेकिन जब भी करता हूँ तो फिर बहुत मजा लेके करता हूँ क्योंकि फिर और कुछ नहीं कर रहा होता। जैसे अभी इंशाल्लाह हम दिसंबर से हम स्टार्टिंग अनदर मूवी, अच्छा तो वो उसके लिए आई एम अभी से एक्साइटेड, तो उसका एक अलग चार्म है बिकॉज वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर यू सी। वो तो आप कभी चाहे आप होस्ट कह लें चाहे प्रोड्यूसर कह लें जो भी हैं, बट जो कोर है हमारा दैट इज डेफिनेटली हम एक्टर ही एक्टर्स हैं। तो बट या यू कैन नॉट एंजॉय एक्टिंग एवरी डे बिकॉज इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस। अच्छा मोनोटोनस एक आपको एक वो आ जाती है ना, एक रूटीन बन जाता है दैट एवरी डे यू वेक अप एंड यू गो टू अ सेट एंड यू आर डूइंग एक्टिंग, तो वो मुझे नौकरी वाला मिजाज काम लगता है। इस फिल्म में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कोई हमें ब्रेक नहीं, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आप लोगों को बिल्कुल ही। एक मैंने ऐसी फिल्म नहीं की अभी तक तो वो बिल्कुल डिफरेंट कुछ सब्जेक्ट कोई हटके बनाया है इस बार स्वाद करेगा। सब्जेक्ट हटके नहीं होता, होता है आप उसको कैसे हटके बनाते हैं। सो इट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स टेलिंग अ स्टोरी दैट शुड बी डिफरेंट, अदरवाइज कहानियां तो मोर और लेस जो है वो एक जैसी, लोग एक ही अलग करते, टीम आपकी हमेशा एक ही रहती है लेकिन उनकी अप्रोच देखें वो आपको अलग अलग तरीके से डिसअपॉइंट। देखिए आप ऐसा ना करें यार, ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो। फहद मुस्तफा पहली दफा शोएब अख्तर को कास्ट कर रहे हैं इस फिल्म में और मैं इनकी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये आप काट लें और ये मीम बना लें, वर्ल्ड कप का दिन जारी है, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस। ये तो बताएं आपकी फिल्म जो मैं करने वाला था उसका, वो आपकी फिल्म अभी भी आपकी, तो आपने भी नहीं की उसके बाद, वो आपकी ही है फिल्म, हमने वो फिल्म रोक दी है। अच्छा हीरो का कंसेंट नहीं लिया गया हमसे ना, हमसे उसने भाई साहब ने कुछ पूछा, पूछा ही नहीं कहते आर्थर साहब उसे राम करो, हमारे पास राइट्स हैं, तो हमने फिल्म वापस ले ली क्योंकि हमने ऑडिशन करना था। अच्छा तो वो भाईजान ने ऑडिशन का टाइम ही नहीं दिया हमें, तो हीरो अपनी मर्जी सेट कर लिया, लगा भी दिया, फिर हमने उसको चले मना करे, फिल्म हैज एंडेड। सो अब वी आर लुकिंग फॉर द हीरोज, क्या बात। सो अब नाउ आप ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो क्रिकेटर्स हैं मोस्टली क्रिकेट पे कहानी बनाते हैं जी, तो दिस मूवी वाज नॉट अबाउट क्रिकेट। अच्छा क्रिकेटर पे है लेकिन क्रिकेट के बारे में नहीं है। या आई रिमेम्बर वी हैड अ चैट अबाउट, वी हैड अ लॉन्ग चैट एंड वी नीड टू गेट बैक टू यू ऑन दिस वन, बट हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं फादी के साथ और बातें करते हैं, आपको मजा आएगा, इनकी फिल्म के बारे में बात करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शोएब अख्तर शो, और ये सेगमेंट है इमानी का। इमानी 75 सालों से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके लिए बना रहा है और स्पेशली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस भी यूज कर रहा है, लेकिन ये हम गेम खेलने जा रहे हैं फहद मुस्तफा के साथ क्योंकि ये म्यूजिक को बहुत अच्छा समझते हैं, म्यूजिक इनके अंदर रचा बसा हुआ है। बाद आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि गेस्ट सॉन्ग, उसमें आपने तीन चीजें देख के हमें बतानी है, तीन चीजें क्या है लेकिन इसका मतलब क्या बनता है गाने में। अच्छा। ये कौन सा गाना है? इसका नाम है गेस्ट सॉन्ग। आइए जी फाद ही बताएंगे ये चीजें तीन क्या है और कौन सा गाना है। लेट्स प्ले इट ऑन द स्क्रीन। गेस्ट सॉन्ग, तीन चीजें, पुरानी जीन्स और गिटार। गाना कौन सा है आपको पता है गाना? हाँ तो बस पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की भी छत और मेरे यार हैं। ये बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है।
मुश्किल सॉन्ग लगाएं जी जरा। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला मेरा इंतजार। ये मुझे कल ही आसिम अजहर सुनवा रहा था ये गाना, और हम सोच रहे थे सजाद भाई ने क्या सोच के ये गाना बनाया था, तो ये वाला। बट सच अ ह्यूज हिट दिस सॉन्ग वाज। डू यू सिंग बाय द वे? नो आई डोंट सिंग। यार मुश्किल दिखाओ गाना, फात को फसाए यार। इतना आसान सन वॉकिंग इन द पार्क फॉर हिम। ये आ गया ना जी, खत्म कहानी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार दे। तो हमने गाना यार, हमारा बना हुआ गाना यार, ऐसा ना करें यार आप। यार थैंक यू वेरी मच यार फादी, तुमने तो परेशानी सारी हल कर है ना, इतना तेज सेगमेंट निकल रहा है। नेक्स्ट प्ले किया जाए, फसाओ जी फसाओ बात मुस्तफा को। एक तो स्लोली स्लोली, ये क्या है? मीशा शफी का गाना ये? हाँ इतना ही समझ आ रहा है। आम और अचार के हवाले से कुछ है, ये आम है और चटनी है। चटनी, ये क्या है? हाँ अमरसरी नहीं, वो उसका क्या मतलब होता है? पहाड़ के नीचे है ना, क्योंकि ये पंजाबी में है ना, तो मेरी पंजाबी इतनी तो नहीं अच्छी मुझे याद। और मुझे गाना नहीं है, नहीं है। मीशा और मीशा शफी का गाना है, मीशा शफी ने गाया है। मीशा शफी ने पंजाबी गाने के अलावा है, हाँ ट्रेंडिंग गाना था, ट्रेंडिंग गाना है। हाँ आम चटनी, ये वो पुराना हो गया काफी। अभी ज्यादा पुराना, अभी की बात है। मीशा शफी पुरानी लगती है अभी? हाँ मतलब नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। लो जी फात मुस्तफा पहली दफा इस प्रोग्राम में फंस गए। ये कौन सा गाना है भाई, ये नहीं समझ आ रहा। हॉट मैंगो चटनी सॉस। अच्छा मैंने नहीं सुना ये गाना, नहीं सुना मैं। ऐसे कहाँ है ऐसे हॉट मैंगो चटनी सॉस गाना है ये? आपने आपको याद है, ये आपके टाइप का गाना है बेसिकली। नेक्स्ट प्ले किया जाए जी, फसाया जाए फात मुस्तफा को। ये बहुत मुश्किल गाना आपके लिए लगा रहे हैं जी। लॉन्ग गवाचा, मेरा लॉन्ग गवाचा मैडम मुसर्रत नज़ीर। बिल्कुल यस एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए, आप तो खैर म्यूजिक जानते भी हैं, बनाते वक्त भी आप बैठते हैं साथ? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो शौक है ना, तो मेरे ओएसटीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हिट होते हैं। अच्छा तो वो जैसे अभी मैं आपको सुनाऊं, ये कहानी सुनो की जो कहानी है। अच्छा कहानी सुनो हिट होने से पहले मेरे पास आया था और मैंने सुना, और मेरे ऑफिस में 6-7 लोगों ने उसको कहा ये तो क्या ले रहे हैं आप, क्यों ले रहे हैं आप। मैं ये बनेगा फिर, लेकिन फिर वो ऐसा बना कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा गाना बन जाएगा। हाँ अच्छा कोई चीज़ ओवररेटेड मिली मैं ये बात। हाँ अब वो चल रहा है गाना, लोग इज्जत दे रहे हैं, भाई आप कौन है? ऐसे ही है मतलब है? हम कौन होते हैं किसी? फात मुस्तफा मतलब क्या, मतलब बुरा गाना है लोग? नहीं 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 जी, बहुत ज्यादा है, हो गया है जी, बहुत ओवररेटेड गाना। हाँ, मैं ओवररेटेड क्या होता भाई, अल्लाह ने इज्जत दी उसको। ये तो अजीब सी बात है कि अजीब मतलब... सी बात है। अब मुझे बताएं कि आप जब म्यूजिक बनाते हो, आप बहुत सारा काम महफिश के साथ करते हो, महफिश याद खान से करते हो, मायरा से करते हो, आपको ये बहुत ज्यादा मेथड एक्ट्रेसेस लगती हैं, आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं इनके साथ, क्योंकि आपका सारा काम इनके साथ है। स्ट्रेंथ क्या और वीकनेसेस क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये प्रोसेस को समझते हैं, ये लोग डिसिप्लिन लोग हैं, इनको एक्टिंग से मोहब्बत, जो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे मैं नबील के साथ 5-6 फिल्में जो मैंने की है ना, बहुत ज्यादा टैलेंट होगा मुझसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर, बट आई थिंक वाई वी एंड अप वर्किंग टुगेदर इज दैट बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टोरी ऑफ द फिल्म। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल थिंग कि अगर मैंने फिल्म कर ली है तो बस अब मैं ही होना चाहिए हूँ, बैटिंग भी मैं करूंगा तो बॉलिंग भी मैं करूंगा, कैच भी मैंने पकड़ना है। आपका काम होता है इन द एंड कहानी सुनाना। अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं किसी के साथ तो फिर मजा भी आता है। इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस, इट इज़ नॉट एक इंडिविजुअल का काम नहीं। तो ये इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी, चाहे महविश है चाहे मायरा है, ये आपके साथ जुड़ते हैं एक स्टोरी के लेवल पे, अपना वैल्यू भी लेकर आते हैं और वो भी नहीं करते, फोर्स भी नहीं करते अपने आप को। तो मुझे लगता है ये उनकी बेस्ट बात है, क्योंकि स्टार्स है ना तो इतना इनसिक्योर नहीं है। इनसिक्योर हाँ, नहीं है ना? जो स्टार होता है मैंने उसको इनसिक्योर नहीं कभी देखा। हाँ, ऐसे तो वो बड़ा उनके साथ बड़ा मजा आता है काम करने का। इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता है। AI हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैजिक बॉल पड़ा हुआ है हिमानी की तरफ से आपसे, ये आप कुछ सवाल करेगा और आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनसे एक AI मुश्किल सवाल किया जाए जो मैं नहीं पूछ सकता इनसे। हाँ भाई आई हेट AI दो जी।
बाद में सवाल से सवाल किया जाए। थ्री एक्ट्रेसेस फ्रॉम द करंट जेनरेशन यू वुड लाइक टू डू अ फिल्म विथ? ओह ऑफ कोर्स, हानिया हानिया हानिया। व्हाई? वाओ। बिकॉज आई थिंक के माहिरा के बाद अगर किसी के अंदर स्टार वाली एक वो है, पोटेंशियल है, दैट इज हानिया। एंड शी इज आल्सो वेरी आई हर्ड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड एट हार्ट आल्सो। ओह वाओ। एक्टर को, खैर अब मैं इस बात पे नहीं बिलीव करता, पहले मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता था कि जो एक अच्छा एक्टर होता है वो एक अच्छा इंसान भी होता है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन इट एनी मोर। ऐसा नहीं है, रिसेंट टाइम्स में ऐसा मैंने नहीं देखा। अच्छा? हाँ, तो अब टैलेंट जो है ना वो अच्छे बुरे को नहीं देखता है, टैलेंट अपनी जगह होता है, उससे आपको डिनाइल नहीं होना चाहिए। इंसान कैसा है वो एक अलग बात है, बट हानिया इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, शी इज वेरी वेरी गुड एट हार्ट ऑल्सो एंड अ वेरी एफर्टलेस एक्टर, मुझे ऐसा लगता है वो। और अभी तक आपने उनके साथ काम किया? मैंने नहीं किया, मैंने अच्छा। नहीं किया, मैं उसको काफी साल से कह रहा हूँ बड़ी हो जाओ थोड़ी सी और फिर करेंगे, अब वो बड़ी हो गई, अब करेंगे। अच्छा, आज आप उनके बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मुझे छोटी लगती थी वो बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, शी इज अ क्यूट टाइप, लेकिन आई थिंक वो रोल पुल ऑफ कर लेंगे। आप कुछ एब्सोल्युटली फर्क चीज लिख रहे हैं उनके लिए, कुछ कैसी चीज लिख रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं साथ, आई डोंट किस एंड टेल, तो वो मुझे एक होता है कि चीज बन जाए आ जाए यू नो, तो उसके बाद आप बात करें, लेकिन हाँ We are about to do something. क्या हम ये पूछ सकते हैं जो आपकी आने वाली फिल्म है दिसंबर में, इसमें हानिया का कोई ताल्लुक है? हो सकता है, हो सकता है, या और ये भी हो सकता है AI एक और मुश्किल सवाल करे फाद मुस्तफा से। AI मर्द है? औरत भी हो सकती है, भी हो सकती है, न्यूट्रल जेंडर है। ओ, ये भी फंसा हुआ है, फ्लूइड जेंडर है, ये भी फंसा हुआ है। इफ फहद मुस्तफा गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, what would Fahad Mustafa ask AI? Also, why does Fahad Mustafa hate AI? It's because they can produce a Shoaib Akhtar and they can produce a Fahad Mustafa without even telling us, and they can simply take our jobs away, and they'll eventually take everyone's jobs away one day. That's why I think it's Hollywood mein strike ho rahi hai AI. Honi chahiye sir. It's I think we don't. I think now we see it coming also, but it's a bit too late. But ये तो ज़्यादती वाली बात है. You know, I saw Avatar and I loved the movie and I came out and I was with a friend of mine and he said Kate Winslet भी थी and I had no bloody clue. हाँ. मैंने कहा okay, so this is a death for everybody that you saw Kate Winslet and you don't know whether she was there or not. I hardly even missed her. So this is, you know, ये तो जुल्म है, ज्यादती है ये। मैं कल बात कर रहा था एरी से, कहते यार बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं, yeah. कैस्टों से सीडी, सीडी से MP3 पे, फिर हमारे बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं, yeah. और आपके भी बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल, आपका जितना हार्ड वर्क किया हुआ 25-30 साल का जी, वो एक साला AI उठा के ले जाए ऐसे ही, ये तो जुल्म है ना, जुल्म है, जुल्म है ना, जुल्म है। आप जिस तरह आपने कहा कि यार मुझे, यार शेबी मैंने वो किया हुआ, यार 20 साल मेहनत की है, मैंने प्रोसेस से गुजरा हूँ, रोज प्रोसेस से गुजरता हूँ, ऐसे ही आता हूँ, 10 सेकंड कंटेंट बना के तो मेरे सामने कैसे खड़ा कर सकते हो बंदे को? ऐसे ही हो सकता है, लेकिन बट हैविंग सेड दैट, क्या आप वक्त के साथ चेंज होना चाहोगे या आप थोड़े स्टबर्न हो जाओगे या अपनी चॉइसेस में स्टैग्नेंट हो जाओगे? हो रहे हैं, वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं, बट कुछ चीजें ये तो मेरे गले नहीं पड़ना, ये तो सबके गले पड़ना है, ये वो वाली चीज है, ये हर जगह घुस जाएगा, और जब हर जगह घुस जाएगा सो यू कैन से दैट हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वर्क होगा तो करोगे ना, जस्ट स्टेइंग होम भी तो एक अलग मुद्दा है, मतलब क्या करेंगे, म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है आपको, एक्टर की जरूरत नहीं है आपको, पेंटर की आर्ट, मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ। अभी एक और चीज मैंने देखी कि आप स्क्रिप्ट बना लें एक कहानी पे, आप उसको जितनी बार डालेंगे वो आपको एक अलग स्क्रिप्ट निकाल के देगा सेम मुद्दे के ऊपर। राइटर नहीं चाहिए, कोई भी तो नहीं चाहिए आपको, तो फिर क्यों हैं हम, फिर तो खत्म कर लें। अगर ये ऑगमेंटेड करके रियल फॉर्म में भी आ गया तो फिर बस, फिर अल्लाह ही हाफिज है, मतलब वी वेड अ गुड रन। ग्रेट बात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों को सही से जवाब दिया। हम आपके लिए लाए हैं
ईमान के गिफ्ट हैम्पर जो आपको हम देंगे, इसमें 2.0 जो स्पेशली बनाया गया है इस प्रोग्राम के लिए. ओह माय गॉड, दैट्स यू. या इस प्रोग्राम के लिए बनाया 2.0. oh, ये बनाया गया है, यूज करिएगा. और ये आपका गिफ्ट हैम्पर सर. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. यहाँ रख देते हैं. आप ये देते हुए मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहा है. मैंने सारे सवाल सही दे दिए ना जवाब. सारे जवाब सही दे दिए ना. अब यू द स्मार्टेस्ट गाय दैट आई हैड ऑन ऑन द प्रोग्राम बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्मार्ट गाय. और स्मार्ट हो तो तभी है. लेकिन आप मत भूलिएगा, फहद मुस्तफा क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे इंसान भी हैं. ये नहीं चाहते आप खाली हाथ वापस जाएं. मैं नीचे साइन कर देता हूँ. और ये जो चीजें हैं, जो गिव अवेज हैं, आपको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपको मिलता रहेंगे. ये साइन बैट फहद मुस्तफा का मेरे साथ हुआ हुआ आपको मिल जाएगा. और इसके साथ साथ आपको एक आधा क्रिकेट बॉल भी साइन करके आपको भेजा जाएगा. और ये वाला बॉल आपको मिलेगा. लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. विल बी राइट बैक. सी यू लेटर. वेलकम बैक. द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शो वक्त शो 2.0. अब लाइफ बॉय आपको पता है कि नया हैंड वॉश बनाया 10 सेकंड में सारे चेहरे सीम साफ. लेकिन हम करेंगे 10 सेकंड में एक सवाल. 10 सेकंड. और 10 सेकंड मैं तो 10 सेकंड लेता हूँ. आपने 10 सेकंड के अंदर ही जवाब. ओके 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 ठीक है. वो कौन सा अकल वर्ड से रिलेटेड है? अकल से रिलेटेड. अब मैं तो एक फास्ट बॉलर. एमी. ओके एमी का रैपिड फायर. ठीक है ठीक है. एमी थोड़ा वायात किस्म का रैपिड. नहीं नहीं ठीक हो गया. ऐसा कोई लफ्ज बताइए जो एफ से शुरू होता है और के पे खत्म होता है. चलो एक बता दो फिर मैं बाद में कहूंगा. 3 बता दो. देखे मेरे मुंह से निकल जाता अभी. नहीं मेरे दिमाग में आया भी और चला भी गया. मैंने उसको एडिट भी कर दिया. हाँ लेकिन वही पॉक. हाँ मेरे जहन में ये आया नहीं ना. पॉक मेरे जहन में जो आया वो मैंने. यार लेकिन क्या आया था आपके जहन में? बस आ गया था. आ गया था जी. जो आप ओटीटी पे भी नहीं चला पाएंगे. मेरी बहुत सी ब्रांचेस हैं लेकिन मेरे फूल पत्ते नहीं देता और फल भी नहीं देता. क्या चीज है ये? मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. फूल पत्ते नहीं देता, फल भी नहीं देता. हाँ लेकिन मेरी ब्रांचेस बहुत हैं. मेरी ब्रांचेस बहुत हैं. 10 सेकंड है. मेरी बहुत सी ब्रांचेस हैं. हाँ पूरे मुल्क में हर जगह खुली होती हैं. बैंक. या वेल डन. देखा मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से टैलेंटेड होना काफी नहीं है, खूबसूरत दिमाग का होना भी बड़ा जरूरी है. और ये आपके सामने दिमाग बैठा हुआ है भाईजान. अगर आपको मनी हाइस्ट बनानी हो जी. और प्रोड्यूस करनी हो तो आप किस किस को कास्ट करेंगे? मैं सिंधी में बनाऊंगा और सारे इंटीरियर सिंध के एक्टर लूंगा उसके अंदर. क्यों? हमसे अच्छा हाइस्ट आप कहीं ना ले. ऐसा करेंगे. आप सिंधी में अनाउंस कर दें प्लीज. मैं सिंधी में मनी हाइस्ट बना रहा हूँ और मैं ये करने जा रहा हूँ. सिंधी में मनी हाइस्ट आईंदुमि ऐं जेके जेके आहिनि मूड में उहे हलिया अचनि असां लुटींदासीं. मुस्तफ़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर कोई पंजाब से चाहिए होगा तो एक चाहिए. एक मिल जाएगा हमें. ठीक है डन. बचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए. जी वेल डन यार वेल डन. वो क्या चीज है जो नाम लेने से टूट जाती है? नाम लेने से टूट जाती है. हाँ, वो क्या चीज है जो बोलने से टूट जाती है? खामोशी. खामोशी यार. देखा यार मैं तो इस बंदे से हार गया हूँ यार. ये बंदा भाई बहुत बहुत आगे की. आप इस एपिसोड के बाद अपना कंटेंट वाला चेंज करने वाले हैं मुझे समझ. वो बेचारा दिल में गालियां दे रहा होगा मुझे. ये कम क्यों आया ये आदमी. अच्छा चल इस वक्त रनिंग ड्रामों में से आपकी 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है? एक्ट्रेसेस मेरा एक ड्रामा चल रहा है मायरी आजकल विच इज अ ह्यूज सक्सेस. उसमें एक नई बच्ची है बिल्कुल आईना नाम है उसका. Oh, wow. आईना आसिफ एंड शी सच अ फिनोमेना राइट नाउ. वो और एक बच्चा है समर. तो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इस ड्रामे. बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था. तो वो बच्चे एंड दे आर सच गुड एक्टर्स आई टेल यू. तो उन्होंने बहुत दिल से भी किया है, बड़ी कन्विक्शन से किया है वो ड्रामा. तो मेरे हिसाब से शी इज द वन टू वॉच आउट. आगे
और इसके अलावा जब आप ऑडिशन ले रहे होते हैं जी, आप क्या क्या चीजें देखते हो? अब जैसे आईना को आपने लिया जी, चाइल्ड मैरिज के ऊपर आप जी ये आपने सब्जेक्ट बनाया है जी, तो आप क्या देखते, क्या हो आप, क्या क्या कहते हैं यार इसमें से वो चीज है जो मैं निकाल लूंगा? असल में देखिए वही वाली बात है ना कि जो बच्चे या जो भी एक्टर कहानी को समझता है ना, जो सतही नहीं होते, जो सुपरफिशियल नहीं होते, जो एक सिंपलर सीन की बात भी समझ रहे होते हैं कि ये व्हाई इज दिस सीन बीइंग डन, इस डायलॉग का क्या मतलब है, आगे क्या निकलेगा, कंक्लूसिवनेस क्या होगी इस चीज की, मुझे लगता है वो एक्टर बहुत लंबा जाता है। एक होते हैं जो लोग बस सिर्फ आके और लाइनें बोल के चले जाते हैं, मुझे लगता है वो थोड़े से जरा फिर चलते भी नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, चलता वही है जो एक जिसको समझ होती है, सीन की समझ होती है, डायलॉग की समझ होती है। इन बच्चों को बहुत ज्यादा मैंने बड़ा रेयर देखा है कि इतना यंग टैलेंट और इतना इंटेलिजेंट। आपको फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान में, जैसे आप अपने जैसे जिसको बच्चों को चांस भी देते हो आप, नए टैलेंट को भी चांस देते हो, आप इनहांस भी करते हो, आप डिस्पैरिटी क्रिएट नहीं करते किसी में, आप कोशिश कर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, आप सबको चांस देते हो। मुझे ये बताएं कि लॉबिंग है टीवी ड्रामास में, लाइकनेस होती है आपकी अपनी, कोई टिल्ट होता है कि यार मैं इंक्लाइंड होता है बंदा? शुभ भाई लाइकनेस हो सकती है, जैसे आई लाइक यू, मे बी किसी और को आप उतने अच्छे ना लगते हो जितना मुझे आप अच्छे लगते हो, तो समटाइम्स टैलेंट इज ऑल्सो नॉट इनफ, मुझे ऐसा लगता है। आपको कोई एक लाइकनेस चाहिए होती है, कोई एक सपोर्ट आपको चाहिए होती है, जैसे हमें बहुत मुझे बहुत मिली वो लाइकनेस जो थी, वो चाहे चैनल के सीईओज हों, वो मेरे डायरेक्टर्स हों, वो राइटर्स हों, अब वो पता नहीं क्यों थी, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं समझ आई आज तक, ना मैंने कभी ऐसी कोशिश की कि उनसे मेरी हो जाए इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, तो वो गॉड गिफ्टेड लाइकनेस आपको मिल जाती, समटाइम्स यू आर टू गुड लेकिन आपको लोग नहीं पसंद नहीं करते ना, तो ये इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा टिल्ट हो किसी एक्टर की तरफ, जैसे मुझे बिलाल अब्बास बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लव दैट एक्टर, अभी तक उसने वो वाला काम नहीं किया जो मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए, लेकिन आई रियली लाइक हिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुपरस्टार हो गया वो मेरी लाइकनेस की वजह से, तो ये नहीं हो सकता। तो आप किसी को पसंद भी करते हैं, आप मौके सबको देते हैं, बट वो अल्लाह किसका पकड़ता है हाथ, ये नोबडी कैन टेल। अब ये क्या बात सच है, किस्मत 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 का बहुत हाथ होता है टू मेक यू एट अ सर्टेन एक्सटेंट। अब आप बैठ के मुझे कह रहे हैं जाहिद आपसे भी तेज था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप मुझे कह रहे हैं जिसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हुआ इस बात का, तो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत है ना फिर, के अगला आंखों पे पट्टी बांध के कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, इट्स द लाइकनेस जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाल दी किसी के लिए, तो मुझे लगता है कि वो आप किसी से नहीं, किस्मत प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट यस गिवन अपॉर्चुनिटी को वाइजली यूज करना, ये फिर आपका एक वो होना चाहिए। मैंने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसको यूज नहीं करते हुए देखा, आप हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं, आप मेहनत करना छोड़, वो तो करें ना फिर आप, फिर बाकी जो होना। मैंने शाहरुख को सुना है, कहते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी के बाद मेहनत करता हूँ। ऐसा ही है, ऐसे ही यार कि मैं इसको बड़े से बड़ा करूं, और वो यार देखो ना 57-58 ईयर ओल्ड एंड ही इज थ्राइविंग, क्या बात है। एंड मुझे अब व्हाट नाउ फॉर फहद मुस्तफा, व्हाट इज नाउ, बिकॉज सारा कुछ तो कर लिया, अब तो सब कुछ हो गया। अच्छा चले मैं आपको ले जाता हूँ 2011। हाँ जी, ये स्ट्रगलिंग पीरियड, चलो फहद मुस्तफा स्ट्रगलिंग पीरियड, पता नहीं जी तो पाकिस्तान मिलता है कि नहीं जी, मैं एक्टर बनता हूं कि नहीं, तब और आज, ये तो दो एक जर्नी होगी ना, तब क्या सोचता था फहद, यार मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरी कोई जगह भी है इंडस्ट्री में? बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं, मैं नौकरी करना चाहता था, इन द मिडल ऑफ माय एक्टिंग करियर आई थॉट कि मे बी यू नो आई हैव मिसरेड दिस होल थिंग, और खैर उस वक्त इतना पैसा नहीं था, ये 10-11 साल में पैसा बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में आ गया है, उससे कहाँ पैसा होता था, 2-2.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिल जाता था आपको, बट वी वर हैप्पी, उस 1.5-2 लाख रुपए में भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि वही जो मोनोटनस आती है ना, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आप एक ड्रामा ख़त्म किया दूसरा शुरू किया, इतना वर्सेटाइल मैं भी नहीं हूँ कि साल के 6 ड्रामे कर लूँगा, 6 ड्रामे का मतलब है कोई आपने
एक से 1,500 सीन होता है एक ड्रामे के अंदर, आप कितना कर लोगे? 7,500-8,000 सीन, कितनी वर्सेटैलिटी आप कोई दिखा दोगे अपनी? When it comes to films, films are 60 scenes, 50 scenes, 40 scenes. दिल भी चाहता है, दिल लगाने का भी दिल चाहता है आपका. Fillers नहीं होते हैं. Fillers. ड्रामो में बहुत ज्यादा fillers होते हैं because it's the need of it. ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं, जरूरी होता है. तो थक जाता बहुत जल्दी में. थक जाता. तो it's not जीतो. मुझे फिल्मों ने एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया बिकॉज व्हेन जीतो हैपेंड फिल्म हैपेंड. इट वाज ऑल हैपनिंग साइमल्टेनियसली. आई वाज डूइंग टू फिल्म्स. आई स्टार्टेड जीतो. जीतो वाज अ फ्लॉप. जीतो बिकेम हिट लेटर. माय फिल्म्स डिड बेटर पहले ही. ओके. तो उसने जो है ना जगा दिया अचानक से कि यार ओके फिल्म. मुझे कहते थे शुरू में फिल्म एक्टर हैं आप, फिल्म एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं. फिल्में इस मुल्क में हो नहीं रही थी. मैंने कहा ये कौन सा मैं फिल्म एक्टर हूँ जो फिल्म तो है नहीं, तो होता क्या है? वो फिर फिल्में होती चली गई तो समझ आई कि अच्छा चलो यार शायद सही कह रहे थे. ये भाई प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ गाय. आई एम यार, आई एम, बिकॉज़ इस मुल्क में इफ यू नॉट प्रैक्टिकल तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप बेवकूफी हैं. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. देयर इज नॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड. तो आपको जितनी मिले कम मिले. बहुत लोगों को बहुत फिल्में मिली हैं, आपको याद नहीं है शायद. इस एरा में जिसमें मैंने, फवाद ने और हुमायूं ने फिल्म्स की हैं, बहुत लोगों ने फिल्म्स की हैं, किसी की याद नहीं है आप लोगों को. नहीं है, बस ये फर्क है. लेकिन फिल्में हुई हैं तो अपॉर्चुनिटीज तो थी, आप लोगों ने अवेल नहीं की. इसमें हमारा तो कसूर नहीं, हमारी हो गई, अच्छी बन गई, एक्टिंग लोगों को पसंद आ गई, अवार्ड्स हो गए. तो मुझे लगता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने अवेल की, जिसने उसको सीरियसली नहीं लिया. मेहनत भी की ना यार. हाँ मेहनत की, लगाया भी तो है ना. शौक है, अभी भी शौक है. मैं आपको, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी जब करूंगा ना तो अभी मैं और नबील डेली बात भी कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते चीजें क्या करेंगे. एग्जैक्टली. और चाइल्ड लाइक इनोसेंस कब खत्म नहीं हो रही आपके अंदर? वो खत्म हो गई तो मुझे लगता है एज एन एक्टर नहीं हुई खत्म. एज ए इंसान प्रॉब्ली हो सकता है कि वो खत्म हो गई है. बिन देयर बहुत सारी चीजें. अच्छा, मुझे क्यों फील आ रही है कि फिल्में सेटिस्फाइज फहद मुस्तफा? ऑफ कोर्स. ये यार ये मेरा इनर का सुकून है. ऑफ कोर्स. ये मैं करता हूं तो मुझे मजा. बाकी सारा तामझाम इज जस्ट टू सरवाइव. I think film is that will keep you alive. Ah. So there's a difference between being alive and, you know, surviving. Ah. तो वो आपको जिंदा रखता है और मजा आता है. ये थे आपके सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट होस्ट. वो तो है ही है 10-15 सालों से. वो तो एक इनका जॉनरा है ही है. लेकिन ये भी देखिए कि फहद मुस्तफा इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाय इन द इंडस्ट्री. द रीजन वाई जो फहद मुस्तफा ने आपसे बातें की, वो आपको जो चीजें बताई, इतने ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मैंने इंडस्ट्री के बारे में अपने प्रोग्राम में इन जनरल, बाकी भी मेरे इंडस्ट्री के सारे दोस्त हैं, मैंने इतने इन डेप्थ एनालिसिस कभी नहीं सुने. ही इज अ सुपर स्टार, ही इज अ ग्रेट होस्ट, ऑन टॉप ऑफ दैट इज He's a producer that gives chances to the up and young talent ko chance dete hain. But most importantly, he's a great friend. And on top of that, he's a good cricketer. But most importantly, he's a great human being. I hope you enjoyed this episode with Fahd Mustafa. Love you all. See you next time. Till then, bye-bye.